ये तो होना ही चाहिए। हाँ इसको जब हमने पहन के आ रहे हैं, काली टोपी लगाएंगे उनके, वो आपकी रेड वाई कर लें। हाँ अंदर ये प्रदेश की पहली महिला दारुल क़ज़ा स्थापना करने का जो हमारा उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और जो गैर शरई तरीके से उनको तलाक दी जा रही है या डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामलात जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें लगा कि न्यायपालिका द्वारा जो स्थापित प्रणाली है उसमें महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर दो पक्ष होते थे और वहाँ पर उनको वो क्या नाम है, कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो पुरुषों के सामने अपनी पूरी बात नहीं कह पाती थीं। इसलिए ये एक शुरुआत हमने की और मुझे ये बताते हुए हर्ष का मैं शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जो है पीड़िताएँ बड़ी संख्या में हमारे पास आ रही हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य से हमने उनका शुरुआत की थी उनकी, तो वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। महिलाओं को एक मंच मिल गया है जहाँ पर वो आकर अपनी बात, अपना पक्ष लिखित या मौखिक रूप से दे सकती हैं। जब शिकायतों की संख्या बहुत बढ़ गई तो हमने सोशल मीडिया का प्रयोग इसलिए किया कि ज़्यादातर महिलाओं के पास सोशल मीडिया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो अपनी बात जो है अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हैं लेकिन वो पहुंचा नहीं पाती हैं, उनके ऊपर किसी न किसी किस्म की पहरेदारी होती है। तो अब वो फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुँचा रही हैं। तो हमको अब ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस सोशल मीडिया के मंच से जो शिकायतों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है, हमारे पास मेरठ से, पूर्वांचल से, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शिकायतें आई हैं। आपको